स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.4 एलिमेंट बुक से, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो इसका बेसिक मैंने इसे प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, 48 फार्मूले साइन 90 माइनस 360 माइनस 180 माइनस 270 माइनस वाले, और 6 फार्मूले साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इस तरह के, ठीक है ना। उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं ये। अब वो दोबारा फार्मूले फिर एक बार डिस्कस करेंगे हम। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कोस टेन व्हेन एक्स इज 135। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। देखो ऐसा बच्चों, वैल्यू केवल हम किसकी जानते हैं, 0 से 90 डिग्री तक के एंगल की वैल्यू जानते हैं, और वो याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको, टेबल बना सकते हो इसकी आप। देखो 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है ना। क्या करना आपने, देखो 0 से लेकर 4 तक लिख देना ऐसे, और सभी को 4 से डिवाइड करके और स्क्वायर रूट ले लेना इसका, ठीक है ना। सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया इसका, तो ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 1/2, और ये क्या आ गया 1/√2, कैंसिल होकर ये आ गया √3/2, और ये आ गया 1। ये वैल्यू होगी बेटा साइन की, ठीक है ना। साइन एक्स, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो यहाँ पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोस आप जानते हो, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, इन दोनों वैल्यू इंटरचेंज कर दो कोस की वैल्यू निकल जाएगी, इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज कर दो कोस की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये वैल्यू यहीं पर रहने दो 1/√2, ये वैल्यू किसकी निकल गई बेटा, कोस की। और जानते हो टेन क्या होता है, साइन बाई कोस, तो भाई 0/1 क्या हो जाएगा 0, और दिस बाई दिस क्या आ जाएगा 1/√3, और सेम नंबर बाई सेम नंबर 1, और ये आ जाएगा √3, और ये आ जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। बाकी 3 लिखने की जरूरत नहीं बेटा मेरे को, क्योंकि बाकी 3 की रेसिप्रोकल होती हैं। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप साइड में टेबल बढ़ा सकते हो, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिखो, 4 से डिवाइड करो, सभी के स्क्वायर रूट ले लो, साइन की वैल्यू निकल जाएगी, इन दोनों को इंटरचेंज करने से कोस की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, बीच वाले बीच में रहने दो, कोस हो गया, साइन बाय कोस क्या हो गया जाएगा 10। कोसिकेंट की जरूरत है, जैसे कोसिकेंट 0 की जरूरत है आपको, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो इन्फिनिटी आ जाएगी। कोसिकेंट 30 की वैल्यू की जरूरत है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 आ जाएगी। कोसिकेंट 45 की वैल्यू की जरूरत है, इसका रेसिप्रोकल कर दो √2 आ जाएगी। और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू है, तो 2/√3 आ जाएगी। जैसे ऐसे ही सिकेंट की वैल्यू की जरूरत है आपको, तो ये सारे वैल्यू रेसिप्रोकल करते रहो, सिकेंट की वैल्यू आती रहेगी। ठीक ऐसे टेन के कोट की वैल्यू की जरूरत है आपको, ये सारे वैल्यू रेसिप्रोकल कर दो, कोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, साइन 135 की वैल्यू चाहिए मेरे को। देखो अब आपने ये देखना है कि 135 है कहाँ पर, ये 90 है जैसे ये 180, तो 135 यहाँ पर होगा बेटा। तो आपकी मर्जी है, आप 135 को 90 के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि देखो 135 जिस घर में है उसके 2 गेट हैं, एक 90 का एक 180 का, तो दोनों से आंसर निकल जाएगा। अगर आप इसको 90 में ब्रेक करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 90 प्लस 45। अब यहाँ पर फार्मूला लगा, देखो अब तक मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये 135 था, ये भी 135 है, लेकिन ये 90 के टर्म में मैंने ब्रेक कर लिया इसको। अब यहाँ पर फार्मूला लगाना आपने, मैंने बताया था कि 90 हो यहाँ पर या 270 हो, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और एंगल ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने क्या देखना है, ये देखना है कि साइन जो है वो इस क्वाड्रेंट में प्लस का है माइनस का है, तो क्या है बेटा प्लस का, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आई है भले ही कोस में है, वैसे कोस यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव, लेकिन ये कोस क्या है बेटा, इसका अपना कोई वजूद नहीं, ये तो साइन की वैल्यू के तौर पर आया है यहाँ पर, तो माइनस की बजाय प्लस लगेगा, क्योंकि साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन का तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, माइनस की वैल्यू आनी प्लस की, यहीं पर पता चल जाएगा, ये साइन 135 डिग्री, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस की आनी है, ये गलती हो ही नहीं सकती, माइनस में आ ही नहीं सकती, जिसको ये याद हो कि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है। एक और रास्ता बताया था मैंने इसका करने का, देखो 180 में ब्रेक कर सकते हो आप इसको, ये जो साइन है 135, इसको 180 माइनस 45 में ब्रेक कर सकते हो। देखो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर 180 हो और 360 हो, तो साइन नहीं बदलेगा, कोस नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं बदलेगा, एज इट इज रहेगा, साइन
साइन रहेगा और ये एंगल लिखना आपने यहाँ पर। अब ये देखना क्वाड्रेंट कौन सा है, देखो ये देखने लग रहा है 135 पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट है तो ये प्लस का ही होगा, साइन 45 क्या हो गया 1/√2। या तो आप इस मेथड से निकाले या इस मेथड से निकाले, दोनों से आंसर सेम आएगा। हर क्वेश्चन आप दो तरीके से निकल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेंट में होगा उसके दो गेट मिलेंगे आपको। तो करना क्या है बच्चों, अगर 0 से लेकर 90 तक के एंगल की वैल्यू पूछ ले, जैसे कोई मेरे से पूछ ले कि साइन 45 क्या होगा, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, साइन 45 होगा 1/√2, किसी में ब्रेक करने की जरूरत नहीं। ब्रेक कब करना है, जब एंगल 90 से बड़ा आ जाए, ठीक है ना, आए समझ में। तो ये 48 जो फार्मूले मैंने लिखवाए थे वो जब काम आएंगे आपको, जब आपका एंगल जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है वो एंगल 90 से बड़ा आ जाए, तो आपने ये देखना कि वो किस क्वाड्रेंट में है, जिस भी क्वाड्रेंट में हो उसकी बाउंड्री में उसको ब्रेक कर दो आप। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है आपने, कोस 135 डिग्री की, ठीक है ना, कोस 135 की वैल्यू निकालनी है अब आपने। वैसे पहले सारी ये वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो साइन की वैल्यू 135 में निकल गई, अब 120 में निकालेंगे, साइन 120 डिग्री निकालेंगे। तो अपने पास दो रास्ते हैं, अभी बताया था मैंने, 90 में ब्रेक कर सकते हो और 180 में ब्रेक कर सकते हो। अब की बार मैं इसको 90 में ब्रेक कर देता हूँ, 90 + 30, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 90 है तो टी रेशो चेंज हो जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा, कोस। क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये प्लस का आ गया, कोस 30 की वैल्यू इसमें देखो आप √3/2। आप इसको इसमें ब्रेक करके भी निकाल सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो 180 - 60, किसको लिखा हमने, साइन 120 को, साइन 180 - 60, तो क्या हो गया ये, साइन 60 हो गया। बेटा मैंने बताया था 180 हो 360 हो तो टी रेशो चेंज नहीं होता, और साइन 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3/2, सेम वैल्यू आगे देखो, ठीक है ना। उसके बाद निकालनी बेटा साइन 225 डिग्री की वैल्यू, साइन 225 डिग्री की वैल्यू, तो ये देखना आपने कि 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो 225 डिग्री यहाँ पर है भाई, क्योंकि ये 180 है, ये 270 है, तो 225 यहाँ पर है। इसको या तो 180 में ब्रेक कर लो आप, साइन 180 + 45, ठीक है ना, ऐसे तो क्या हो जाएगा, साइन 180 + थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मैंने बताया था 180 हो तो टी रेशो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, साइन का साइन रहेगा, लेकिन निशान देखो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, साइन इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस का साइन आएगा भाई। साइन 45 की वैल्यू यहाँ देखो, देखो आप 1/√2 होती है, तो आंसर आ गया -1/√2। आप इसको इसमें ब्रेक करके भी निकाल सकते हो, देखो साइन 225 डिग्री जो है उसको आप लिख सकते हो साइन 270 - 45, ठीक है ना। टू से एक टुकड़ा 270 करना था हमने, दूसरा टुकड़ा कैसे आया, इसको 270 इसमें से 270 में से ये माइनस कर दिया तो 45 आ गया। साइन 270 - थीटा क्या हो जाएगा, कोस 45, यानी कि कोस थीटा। मैंने बताया था 270 में भी टी रेशो चेंज हो जाता है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है तीसरा, तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ गया। कोस 45 की वैल्यू वहाँ देख सकते हो, यह आ गई 1/√2। तो दोनों तरीकों से आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम, ठीक है ना। ऐसे ही कोस की वैल्यू निकालते हैं हम, देखो कोस 135 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं बेटा। अभी बताया था मैंने 135 डिग्री यहां पर होगा, तो इसको 180 में ब्रेक कर सकते हो आप, 90 में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको 180 में ब्रेक कर लेता हूँ, 180 - 45 लिखना पड़ेगा, ये तो पता ही है कैसे लिखा है, ये 180 में ब्रेक करना है और 45 कैसे आया, जैसे आपके पास 4 हो तो आपने उसको 6 की टर्म में लिखना, तो 6 - 2 लिखेंगे ना, ये पता आपको 6 की टर्म में लिखना है तो 6 - 2 ही लिखा जाएगा ना उसको। ऐसे ये पता आपको कि 180 की टर्म में लिखना, तो 180 - 45 ही लिखेंगे उसको। अब भाई यहाँ पर 180 है तो टी रेशो चेंज नहीं होगा, एज डीज रहेगा, कोस का कोस रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा है ये, दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब कोस 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, ये आंसर आ गया। इसको आप 180 में ब्रेक, जैसे 180 में ब्रेक किया मैंने, 90 में भी ब्रेक कर सकते हो आप, कोस 135 डिग्री को लिख सकते हो कोस 90 + 45। अब आपको पता है कि 90 में टी रेशो चेंज होता है, तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन, और भाई क्वाड्रेंट कौन सा, दूसरा, दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके माइनस का साइन लगेगा। साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन इसका देखना आपने, इसका साइन देखकर इसके लगाना, जो भी हो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता,
साइन 45 की वैल्यू 1/√2। दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी कोस में, कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसी क्वाड्रेंट में ही है दूसरे में, इसको 180 माइनस 60 में ब्रेक कर लो आप और क्या हो जाएगा, ये माइनस कोस 60 हो जाएगा। मैंने बताया था 180 में टी रेशो चेंज नहीं होता, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको आप 90 में ब्रेक कर सकते हो, देखो इसको लिखेंगे कोस 90 प्लस 30, ठीक है ना। क्या बन जाएगा ये, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कोस 90 प्लस थीटा भी क्या होता है साइन थीटा, थीटा कोण है बेटा 30 डिग्री, क्वाड्रेंट कौन सा है दूसरा, दूसरे में क्या होगा नेगेटिव, ठीक है ना। ये मत देखो आप साइन है ये देखो कोस की वैल्यू है ये, तो ये नेगेटिव आएगी तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। दोनों तरीकों से हमेशा आंसर क्या आएगा सेम, कोई एक करना आपने दोनों में से, या तो 180 में ब्रेक करो या 90 में। अब आ गया 225 डिग्री वाला, कोस 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 225 आप जानते हो यहाँ पर होगा क्योंकि ये 180 की लाइन है, ये 270 की लाइन है, तो इसके भी दो रास्ते हैं, 180 में ब्रेक कर सकते हो आप। देखो इसको 180 में ब्रेक कर दिया मैंने 45, अब आप जानते हो यहाँ पर 180 हो 360 हो प्लस हो या माइनस हो तो टी रेशो चेंज नहीं होता, एज डीज रहता है, कोस का कोस रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट देखो कौन सा है तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ जाएगा। कोस 45 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√2। अब आप इसको 270 में ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, इसको लिखना पड़ेगा कोस 270 और माइनस 45, तो क्या आ जाएगा ये माइनस कोस साइन 45 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि कोस यहाँ पर अगर 270 है तो टी रेशो चेंज हो जाएगा, कोस का क्या बन जाएगा साइन, क्वाड्रेंट कौन सा है तीसरा, तीसरे में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया और ये माइनस 1/√2 आ गया, ठीक है ना। लास्ट में निकालनी हमने टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू भी मैं दोनों मेथड से निकाल देता हूँ बेटा, फिर आइंदा जो भी क्वेश्चन करूंगा वो केवल एक मेथड से करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे टेन 135 डिग्री की वैल्यू निकाली हमने, तो आप जानते हो 135 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया भाई, दूसरे क्वाड्रेंट में है, इसको ब्रेक कर लिया मैंने 90 प्लस 45 में, और आप जानते हो यहाँ पर 90 हो तो 10 का क्या बन जाएगा कोट, और देखो क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड, सेकंड में ये भाई साहब होता है नेगेटिव, तो माइनस 1 आंसर आ गया। 180 में ब्रेक किया जा सकता है इसको, 180 में ब्रेक करोगे 180 माइनस 45 लिखना पड़ेगा टेन 135 को, और ये क्वाड्रेंट है कौन सा दूसरा, दूसरा ही रहेगा अब तो, और 180 है यहाँ पर तो टी रेशो चेंज नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा लेकिन माइनस का साइन है ये, तो माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। अब 120 और 225 पर होने की वैल्यू निकाल देता हूँ, देखो टेन 120 निकालना जैसे आपने, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो 120 भी इसी क्वाड्रेंट में बेटा, 90 में ब्रेक करना चाहो तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30, यानी कि क्या हो गया कोट 30, टी रेशो चेंज हो गया ना, और क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड, तो माइनस का आ जाएगा ये, तो भाई कोट 30 की वैल्यू क्या है √3, ये आ गया आंसर। देखो बेटा माइनस का साइन यहाँ क्यों लगाना हमने, क्योंकि अगर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो कोट 30 की वैल्यू तो क्या है √3, ठीक है ना, जबकि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए माइनस की, तो कोट 30 की और टेन 120 की वैल्यू में प्लस माइनस का डिफरेंस है, वो माइनस हमने लगाना है अपनी तरफ से क्वाड्रेंट देखकर। इसको आप 180 में ब्रेक कर सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप 180 प्लस 60 माइनस 60 सॉरी, और ये हो जाएगा 180 है तो टी रेशो चेंज नहीं होगा, टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा दूसरा, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस √3 आ गई, आया समझ में। उसके बाद हमें 225 डिग्री पर वैल्यू निकालेंगे इसकी, टेंजेंट 225 डिग्री, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 180 प्लस 45 में, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, ये क्वाड्रेंट हो गया ये वाला, ये 180 है और ये 270 है, तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया, तो इसमें ब्रेक कर देंगे तो टेंजेंट का टेंजेंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, टेंजेंट 45 आ गया, क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड, थर्ड में क्या होता है पॉजिटिव, टेन 45 1 हो गया। इसको आप 270 में ब्रेक कर सकते हो, 225 डिग्री है जो, या तो ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, इसको लिखो टेंजेंट 270 माइनस 45, क्या हो जाएगा बच्चों कोट 45,
क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 270 और 90 हो तो टी रेशो चेंज हो जाता है, और क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, क्वाड्रेंट है तीसरा, तीसरे में होता है प्लस का, तो कोट 45 क्या आ गया 1। अब ये टेबल अच्छे से याद कर लो भाई बच्चों, ये यहाँ से रेज कर देता हूँ अपनी, याद कर लो, और याद है भी शायद आपको, 10th क्लास में आपने याद कर ली थी ये। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा, अब की बार जो एंगल है वो 360 से बड़ा आ गया देखो, तो 360 से बड़ा आ जाए तो आपने उसको 360 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो इसके ऊपर ये फार्मूला लगाता हूँ मैं कि कोस माइनस 17 डिग्री जो है वो प्लस कोस 17 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, आया समझ में, क्योंकि कोस माइनस सीटा क्या होता है, प्लस कोस सीटा, यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज किया ये वाला, कोस माइनस ए होता है प्लस कोस ए, ठीक। अब 17 को हमने डिवाइड करना है किसको, 360 से, तो भाई बच्चों ये जाएगा 4 6 24, 4 3 12, 14, 5 6 3rd, 4 पर जाएगा बेटा, 4 ये आ गया 0 यहाँ पर, 4 6 24 2 आ गया यहाँ पर, और 4 3 12 प्लस 2 14, तो ये 0 आ गया, और ये आ गया यहाँ पर 7, और ये आ गया यहाँ पर 2, यानी कि 270, ठीक है ना, तो 5 पर ज़्यादा हो जाता। तो अब ये जो कोस 1710 है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोस 4 × 360 और प्लस 270, डिवीजन एल्गोरिथम जानते होगे बेटा, उसके अकॉर्डिंग लिख दिया मैंने, 1710 जो है वो डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है, डिवाइडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास में जो पढ़ी थी हमने। अब देखो 360 है मेन चीज यहाँ पर, यहाँ पर कोई भी लिखा हो इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी है पॉजिटिव, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये कहाँ पर समझा जाएगा, यहाँ पर समझा जाएगा, ठीक है ना, और इसको आपने एज ए ट्रीट करना है कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, तो कोस मैं लिख देता यहाँ पर, कोई भी है कोस एन इंटू 360 प्लस थीटा है बेटा या ए है, तो क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, एन की जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है ना, कोस के केस में तो माइनस हो तो भी यही हो जाएगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो कोस 17 डिग्री एज इट इज, क्योंकि 360 में और 4 गुना 360 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जगह तो यही है ना, एक 360 तो ये हो गया, और 4 बार चक्कर लगाकर खड़े हो यहाँ पर, 4 × 360 ये हो गया, बात एक ही, पोजिशन एक ही है दोनों, तो कोस 360 प्लस सीटा वाला फार्मूला लगेगा, ये हो गया कोस थीटा, यानी कि कोस 360 प्लस सीटा, मैंने क्या बताया था, कोस थीटा। अब कोस 270 जो आ गया, यानी कि देखो मैंने आपको वैल्यू निकालनी सिखाई है यहाँ पर, हो तो आप पहले से जानते हो, 10th क्लास में वैल्यू आपको लिखवा दी गई थी, जिनको स्पेसिफिक एंगल बोलते हैं, फंडामेंटल एंगल, अगर यहाँ पर आ जाए तो आपने उसको 90 या 180 में ब्रेक करना है, यहाँ पर आ जाए तो 180 या 270 में ब्रेक करना है, यहाँ पर आ जाए तो 270 या 360 में ब्रेक करना है, ठीक है ना, अगर इन्हीं लाइन पर आ जाए तो क्या करना, देखो ये लाइन पर आ जाए तो इसकी तो वैल्यू जानते हो आप सभी की, 90 की, साइन 90, कोस 90, टेन 90 सब की वैल्यू जानते हो आप, अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए तो आपने क्या करना, देखो करना क्या है बेटा, जीरो में ब्रेक करना आपने, ठीक है ना, और 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको वैल्यू भी याद हो जाएंगी कि साइन 180, कोस 180, टेन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 270, कोस 270, टेन 270, कोसेकेंट 217 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे यहाँ पर भी याद हो जाएगी आपको, तो अगर ये लाइन आ जाए ना, ये 3 लाइन आ जाए, इसकी तो वैल्यू जानते हो आप, ये लाइन आ जाए मतलब ये एंगल आ जाए, ये एंगल आ जाए तो आपने उसको जीरो में ब्रेक कर लेना, मर्जी आपकी है, प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। अब कोस 270 प्लस थीटा समझ लेना इसको, ये हो गया कोस 270 प्लस थीटा, तो मैंने बताया था 270 में टी रेशो चेंज हो जाएगा, ये आ गया जीरो। अब 270 प्लस थीटा आप इस क्वाड्रेंट में समझेंगे तो इस क्वाड्रेंट में कोस प्लस का होता है, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, 270 माइनस जीरो करोगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उसमें नेगेटिव हो जाएगा। अब बात ये आ गई आपके सामने कि नेगेटिव साइन लगाएं या पॉजिटिव साइन, तो इसमें साइन लगाने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि ये जीरो हो गया और जीरो का कोई साइन होता ही नहीं, आप इसको 270 माइनस जीरो करोगे तो भी साइन जीरो आएगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। तो बच्चों कोस 270 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जीरो, ठीक है ना।
तो सिकेंट टू 70 की क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। आया समझ? नेक्स्ट है बेटा साइन माइनस 1845, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ 1845 डिग्री। तो इसको आपने 360 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। 360 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, देखो 6 पर ज्यादा हो जाएगा और 5 पर ले जाते हैं, देखो 5 यहाँ पर 0 आ गया, 5 6 30 और 5 3 15 प्लस 3 18, तो 45 आ गए। तो बहुत बड़े एंगल आ गए, स्पेसिफिक एंगल है अपना जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो साइन 1845 की वैल्यू निकालनी थी, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 5 × 360 प्लस 45, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। साइन एन इंटू 360 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये मैंने कहा था ये 360 है ही ट्रीट होगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बेटा साइन 45, क्योंकि साइन 360 प्लस थीटा का फार्मूला मैंने लिखवाया है साइन थीटा। यहाँ पर 360 हो तो टी रेशो चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा। ये माइनस तो चले आने लग रहा था साथ साथ, इसीलिए चले आया है ये, तो ये वैल्यू आ गई 1/√2। और ये माइनस कैसे आया, यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लगाया साइन ऑफ माइनस ए इजिकल टू माइनस साइन ए, ये फार्मूला लगाया मैंने, इसलिए साइन माइनस एंगल से बाहर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब एक कोस 2190, तो इसको आपने ऐसे ही 360 से डिवाइड कर लेना है। 360 से डिवाइड करेंगे तो भाई 7 पर तो बड़ा हो जाएगा, 6 पर जाएगा ये, सिक्स पर जाकर 30 रिमाइंडर आ गया बेटा। तो कोस 2190 को लिख सकते हो आप कोस 6 × 360 और प्लस 30। तो बेटा यहां पर आपने 6 को नहीं देखना, केवल 360 को देखना है। 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2 होती है, ठीक है ना। आया समझ में? कोई भी 360 से बड़ा एंगल आ जाए उसका इलाज यही है। नेक्स्ट है भाई, ये आ गया टेंजेंट ऑफ 3645 डिग्री, तो इसको हमने डिवाइड कर देना बेटा 360 डिग्री से। तो ये 1 पर गया सबसे पहले, तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना, आया समझ में। और 5 नीचे उतारेंगे तो 0 पर जाएगा। तो दिस एंगल कैन बी रिटन एज 10 × 360, टेंजेंट है ये, और 10 × 360 और प्लस 45, तो ये क्या हो गया बेटा, 360 को ही देखना आपने, 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 1, ठीक है ना। नेक्स्ट है 480, भी जो है 360 से बड़ा आ गया, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसको तो वैसे ही ब्रेक कर सकते हो आप, डिवाइड करोगे तो 1 पर ही जाएगा ये, प्लस 120, ठीक है ना। अब सिकेंड इसको आपने एक्यूट समझ लेना है, ठीक है ना, वरना दो बार साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप एज ए एक्यूट एंगल ट्रीट करो, तो सिकेंड 360 प्लस थीटा क्या होता है, सिकेंड थीटा, ठीक है ना। आए समझ में? वैसे तो देखो अगर देखा जाए तो 360 प्लस थीटा ये क्वाड्रेंट होता है, लेकिन यहाँ पर तो 120 डिग्री का एंगल है तो ये क्वाड्रेंट होगा। लेकिन फिलहाल आपने इसको यही समझ लेना कि ये एक्यूट है, वरना दो बार साइन लगाएंगे पजल हो सकते हैं। अब इसको फर्दर इसको ब्रेक कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आ गया ये, या तो इसको 180 में ब्रेक कर सकते हो आप, या फिर 90 + 30 में ब्रेक कर सकते हो। तो सिकेंट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सिकेंट 60 यानी कि सिकेंट थीटा, और माइनस का साइन क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है, ठीक है ना। आए समझ में? तो सिकेंट 60 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि
कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट है 870 कोसेकेंट 870 डिग्री, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, देखो 2 × 360 और 720 हो गया ना, अब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 150। यानी कि मैंने क्या किया, इसको 360 से डिवाइड कर लिया, दो पर गया और रिमाइंडर ये बच गया। अब इसको एज या क्यूट एंगल सम लेना आपने, और सिकेंट 360 कोसेकेंट 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट समझा जाएगा ना अगर ये एक्यूट हो गया तो। अब ये है यहाँ पर, तो इसको 180 में ब्रेक करो या फिर आप 90 में ब्रेक कर सकते हो, कोसेकेंट 180 माइनस 30। तो आप जानते हो 180 है तो कोसेकेंट का कोसेकेंट रहेगा ये, लेकिन एंगल क्या आ जाएगा ये, और क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट भी ये क्या होता है पॉजिटिव, तो कोसेकेंट 30 की वैल्यू भी क्या होती है 2, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज करो बेटा इनको। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपकी बार रेडियन में आ गया, देखो ये तो हम दोनों मेथड से करेंगे इनको, रेडियन से भी और डिग्री से भी, क्योंकि रेडियन की भी प्रैक्टिस करनी है बेटा आपने। तो सबसे पहले ये देखते हैं साइन माइनस फाइव बाई फोर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस का साइन यहाँ पर बाहर आ जाएगा, रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन है आपको मैंने बताया था कि साइन माइनस ए जो है वो क्या होता है, माइनस साइन ए, आया समझ में, साइन ऑफ माइनस ए क्या होगा, माइनस साइन ए। अब फाइव बाई फोर को आप डायरेक्ट भी जानते हो शायद, ये क्या होता है 45 डिग्री, तो साइन फाइव बाई फोर क्या हो जाएगा 1/√2। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो डिग्री में चेंज कर लो, पाई बाई फोर है तो इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये 45 हो गया, आप तो जानते हो ये आप साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो डिग्री में भी कर, रेडियन में भी कर सकते हो और डिग्री में भी कन्वर्ट करके हो सकता है इक्वेशन। ठीक है ना, मैं समझ। सेकंड है बेटा ये वाला टेंजेंट, सेकंड पार्ट है थर्ड का, टेंजेंट ऑफ माइनस फाइव पाई बाई थ्री। तो सबसे पहले तो क्या करो, इसका जो साइन है ये बाहर निकाल लो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ माइनस टेंजेंट फाइव पाई बाई थ्री, रीजन क्या है इसके पीछे, ये फार्मूला लगाया मैंने, टेंजेंट ऑफ माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस टेंजेंट ऑफ ए के इक्वल, ठीक है ना, ये फार्मूला अपना। तो इसको चाहो तो आप रेडियन में भी कर सकते हो सोल्व और डिग्री में भी कर सकते हो, तो ये आइडिया जाना चाहिए आपको, ये लगभग कितने डिग्री है, वैसे लगभग क्या ये एग्जैक्ट 300 डिग्री है, तो 300 डिग्री इस क्वाड्रेंट में होगा, तो इस क्वाड्रेंट में या तो 2 पाई में ब्रेक हो रहा है इसको या 3 पाई बाई 2 में, यानी कि या तो 360 में या 270 में, तो 360 में ब्रेक कर देता हूँ मैं, 360 को बोलते हैं 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई में से अब क्या माइनस करना पड़ेगा मेरे को, अगर ये करूँगा तो 6 माइनस 1 ठीक हो जाएगा, देखो 2 पाई से बड़ा है ना, तो 2 पाई में से इसको माइनस करके देख लो, जो बचे वो यहाँ पर लिख दो, ये आइडिया होना चाहिए आपको, ये है किस क्वाड्रेंट में, तो ये इस क्वाड्रेंट में है, तो इस क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई में ब्रेक हो गया 3 पाई बाई 2 में, 3 पाई बाई 2 में ब्रेक हो सकता है, 2 पाई में ब्रेक करना ठीक रहेगा, तो 2 पाई माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा हो तो टेंजेंट का क्या रहता है, टेंजेंट, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट देख लो कौन सा है, ये माइनस का साइन तो एक्स्ट्रा है, इसका तो साइन भरना पड़ेगा ना क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में ये क्या होता है माइनस का, तो यहाँ माइनस नहीं लगाना आपने शुरू में, यहाँ माइनस लगा दिया तो डबल माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि टेंजेंट 30 डिग्री आ गई, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू तो प्लस रूट 3 होती है ना, जबकि इसकी वैल्यू तो माइनस आनी चाहिए, तो इसलिए ये माइनस यहाँ लगेगा, तो दो माइनस इकट्ठे हो गए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो टेंजेंट जो 60 आ गया, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है रूट 3। आप इसको डिग्री में चेंज करना चाहो तो डिग्री में चेंज कर सकते हो, देखो 5 पाई बाई 3 था ये, इसको आप 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, अब ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, देखो 300 डिग्री आ गया, ये टेंजेंट 300 डिग्री, ठीक है ना। अब 300 को आप ब्रेक कर सकते हो, 270 में ब्रेक कर लो, 3 पाई बाई 2 270 ही होता है और 2 पाई होता है 360, तो 360 में ब्रेक कर सकते हो आप इसको, 360 माइनस 60 लिख सकते हो। अब यहाँ पर 360 है तो टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा, देखो क्वाड्रेंट है चौथा, चौथे क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस यहाँ पर पहले था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
और टेंजेंट 60 होता है रूट 3। चाहो तो आप इसको 270 में ब्रेक कर सकते हो। देखो 270 में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट 270 प्लस 30, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस कोट 30 हो जाएगा, माइनस कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू क्या आती है रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया रूट 3 आंसर आ गया, ठीक है ना। आया समझ में? नेक्स्ट बेटा कोस 3π/4। देखो आइडिया हो जाना चाहिए 3π/4 कहां पर होगा, यहां पर, क्योंकि यहां पर पाई बाई टू है, यहां पर पाई है, तो 3π/4 यहां पर होगा। या तो इसको पाई में ब्रेक करो या पाई बाई टू में, तो मैं ज्यादातर पाई या 2π में ही ब्रेक कर लेता हूँ। देखो पाई लिखूंगा यहां पर, तो पाई से बड़ा है, तो उसमें से पाई में से माइनस करके देख लूंगा कि दूसरा टुकड़ा क्या आएगा। देखो तो क्या आया 4π-3π/4 यानी कि π/4, तो दूसरा टुकड़ा π/4 आया। कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर 6 को आपने 8 के रिस्पेक्ट में लिखना, आपको पता चल गया कि 6 को 8 के टर्म में लिखना है, तो 8-2 ही लिखोगे ना उसको। कैसे पता चला कि यहाँ पर 2 आएगा? 8 में से 6 को माइनस करके देख लिया। अब ये डिसाइड कर लिया आपने कि इसको पाई में ब्रेक करना है, क्योंकि ये यहाँ पर है, या तो पाई में ब्रेक हो सकता है पाई बाई टू में, तो पाई में ब्रेक करना आसान होता है, 2π में भी ब्रेक करना आसान होता है। मतलब अगर यहाँ पर हो तो आप पाई में ब्रेक कर लेना, यहाँ पर हो तो भी पाई में ब्रेक कर लेना, यहाँ पर हो तो 2π में ब्रेक कर लेना, ठीक है ना। आया समझ में? तो पाई या 2π में ब्रेक करेंगे तो अपने लिए आसान रहेगा। तो भाई कोस यहाँ पर पाई हो या 2π हो तो टी रेशो चेंज नहीं होता, बताया था मैंने। ये कोस है तो कोस ही रहेगा, एंगल ये आ जाएगा। क्वाड्रेंट देखना आपने, क्वाड्रेंट है दूसरा, दूसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए माइनस की, तो ये है 45 डिग्री, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर आपके पास यानी कि अगर आप इसको डिग्री में करना चाहो तो आपके पास ऑप्शन है इसको डिग्री में चेंज करने का, क्योंकि बेटा कंप्लीट चेंज होने लग रहा है। जो रेडियन डिग्री में कंप्लीट चेंज होगा उसको ही डिग्री से कर सकते हैं हम, जो डेसिमल में आएगा उसको डिग्री में करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल की वैल्यू हमारे को याद नहीं। बाई चांस ये चेंज होकर अगर 37.5 डिग्री आ जाए या 31.2 डिग्री आ जाए, तो 31.2 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते ना, तो रेडियन में इसलिए करवाने लग रहा हूँ मैं। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप उनको डिग्री में चेंज करके कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि जो फ्रैक्शन में हो जाएंगे वो डिग्री में चेंज करके नहीं होंगे हमारे से, इसलिए रेडियन की भी प्रैक्टिस करो बेटा। तो इसको डिग्री में चेंज करना आसान है वैसे, क्योंकि कंप्लीट डिग्री होने लग रही है। देखो ये हो गया 45 और कोस 135 डिग्री आ गया ये। अब 135 डिग्री आप जानते हो यहाँ पर है, यहीं पर रहेगा, क्योंकि एक 3π/4 भी तो यही था ना, तो इसको 180 या 90 में ब्रेक कर सकते हो। और ये तो क्वेश्चन मैंने पहले में करवा भी दिया था आपको, तो इसको 180-45 लिख दिया मैंने। 180 और 360 हो तो टी रेशो चेंज नहीं होता, कोस का कोस रहेगा बेटा, माइनस का साइन आ गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था। कोस 45 हो गया 1/√2। आया समझ में? ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों साइन 31π/3। तो भाई ये तो 360 से ही पड़ा है, तो इसको हम 360 के मल्टीपल में ब्रेक कर देते हैं, 10π + π/3। देखो आसानी से टुकड़े बनने लग रहे, 31 है ना, तो 30 + 1 = 35। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना भी हो बेशक से इवन है अगर, तो समझो 2π तो है इसमें, यानी कि क्या है ये 5 × 2π है ना, साइन 5 × 2π है ये, और +π/3, तो 2π देखना हमने, 2π तो है यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ है, तो 5 चक्कर लगाने के बाद हम यहाँ खड़े हैं, और प्लस थीटा है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। फार्मूला लगेगा साइन 2π + θ का, क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर बेशक से 2nπ हो तो भी क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो 2nπ तो है ये, और साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना। अगर ये आपने इसको डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री में भी हो जाएगा, ये 31π/3 है, तो 180π से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको ये कैंसिल हो गया, ये 60 पर कैंसिल हो गया, और ये आ गया साइन 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18,
1860 आ गए, ठीक है ना। अब आपने इसको क्या करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 360 से डिवाइड करेंगे, 5 पर जाएगा, वैसे सीधा लिख सकता हूं मैं, देखो इसको, ये हो गया साइन 5 × 360 और प्लस 60, यानी कि इसको 360 से डिवाइड करोगे बेटा, 5 पर जाएगा, 5 कोसेंट आ जाएगा, रिमाइंडर 60 हो गया, ठीक है ना। तो भाई ये क्या आ गया, अब यहाँ पर साइन 60 आ गया, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, आया समझ में, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा ये साइन माइनस 11π/3, तो सबसे पहले तो इसका माइनस बार आ जाएगा 11π/3 ऐसे करके, ठीक। और अब आपने इसको चेंज कर देना है, ब्रेक कर देंगे इसको, देखो ये कितना है, इसको 3×3 = 9, यानी कि 360 से ही बड़ा है ये, तो 2π में ब्रेक होगा, 2π और प्लस 2π/3 करता हूँ तो 6 + 2 = 8 होता है, यहाँ पर 4 अगर लिख लूँ तो 6 + 4 = 10 होता है, यहाँ पर अगर मैं 5 लिख लूँ तो अब काम चल गया, देखो 6 + 5 = 11 हो गया। तो ये आपने एक्यूट एंगल ही समझना फिलहाल, 2π + θ क्या होता है, साइन थीटा, साइन 5π/3। दोबारा इसको ब्रेक करना है आपने 2π में, क्योंकि अब भी ये 2π से बड़ा है, तो दोबारा ब्रेक करना है, इसको लिखा मैंने 2π - π/3 लिख दिया, देखो ठीक है ना, 2π में से इसको माइनस करके देख लिया, पाई बाई थ्री आ गया, इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो 6 - 1 5π/3 आ गया, देखो। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, 2π - θ हो गया, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 2π लाइन ये है, 2π में से कुछ माइनस करोगे फोर्थ आ जाएगा, तो फोर्थ में तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन का तो साइन रहेगा क्योंकि 2π है, यहाँ पर पाई या 2π हो तो टी रेशो चेंज नहीं होता, निशान क्या आ जाएगा, माइनस का, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, और साइन 60 डिग्री है ये, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। आप चाहो तो इसको डिग्री में चेंज कर सकते, देखो सबसे पहले तो ये माइनस बार आ चुका था, यहाँ पर साइन माइनस ए का फार्मूला लगाकर माइनस साइन ए बड़ा, ठीक है ना, ये बड़ा फार्मूला, तो इसको डिग्री में चेंज कर देते हैं, 11π/3 को 180π से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया, ये 60 आ गया, तो ये आ गया साइन ऑफ 066, 660 डिग्री आ गया, ठीक है ना, आया समझ में। तो इसको हमने लिखना है साइन 2 × 360, ये 720 हो गया, 2 × 360 किया तो हमने, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, ये आ गया 6π और 5π 11π/3, ठीक है ये भी, तो ये तो 720 हो गया, तो माइनस का करना पड़ेगा ना, यहाँ पर 66 आया, कितना देखते हैं, 180π से डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो गया, ये 6 पर कैंसिल हो गया, तो 666 आ गया बेटा, 660 आ गया, तो माइनस का यहाँ पर 720 और ये था 660, तो यहाँ पर 0 आ गया और 12 में से 6 गया 6, ठीक है ना, 60 आ गया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना, और साइन 60 आ गई वैल्यू इसकी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 60 होता है √3/2, आया समझ में, ठीक है ना। तो चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो बेटा इसको, ये एक बार चेक करें हम, इसको 2π + ऐसे लिख दिया मैंने, तो एलसीएम लूंगा तो 6 + 5 = 11π/3, ठीक है ये, इसको डिग्री में चेंज किया तो ये भी ठीक है, ठीक है बेटा सारा, आप भी चेक कर सकते हो एक बार, अपने खुद प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। कई बार कोई चीज़ थोड़ी बहुत कम समझ में आती है तो प्रैक्टिस करने से वो अपने आप आ जाती है फिर अपने दिमाग में, ठीक है ना। कोट माइनस 15π/4 है आपके पास, तो सबसे पहले तो इसका माइनस का साइन बाहर निकाल दिया मैंने, और फार्मूला आप जानते हो कौन सा लगाया, ये लगाया कोट माइनस ए क्या होता है, माइनस कोट ए, ठीक है ना। तो भाई अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, 360 से तो काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 4π और प्लस −π/4, मुझ बाने देखने लग रहा है बेटा ब्रेकिंग सिस्टम क्या है,
15 चाहिए हमने, तो 16 माइनस 1 15 हो गए ना। तो ये क्या है, 2 इंटू 2 पाई है, तो 2 पाई ट्रीट होगा। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई है ना, ये n इंटू 2 पाई है देखो, तो n इंटू 2 पाई यहाँ पर खड़ा होगा, तो इसमें से कुछ माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे ना, फोर्थ में तो ये माइनस का होता है, और यहाँ पर 2 पाई का कोई भी मल्टीपल है तो एक टी रेशियो चेंज नहीं होगा, कोट का कोट रहेगा, कोट पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 होता है 1, ये आ गया माइनस, ठीक है ना। डिग्री में भी चेंज करके कर सकते हो आप इसको, माइनस कोट 15 पाई बाई 4 था ये, तो 180 पाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, देखो ये कैंसिल हो गया, ये 45 आ गया। अब इसको 15 और 45 की मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर देना, डिविजन एल्गोरिथम से ब्रेक हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आए समझ में, अच्छे से करना बेटा इन सभी को, एक बार शुरू में अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना तो बार बार जो यूज होंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में जैसे तीसरी एक्सरसाइज का बेसिक, आपके जितनी एक्सरसाइज आएंगी उनमें यूज होगा, यानी कि लिंक है सारी एक्सरसाइज, चौथी का, चौथी में फिर तीसरी का यूज होगा, पहली दूसरी तीसरी का, फिर छठी आएगी तो उसमें पहली पांचों का यूज होगा, सातवीं एक्सरसाइज आएगी उसमें पहली छः का बेसिक यूज होगा। तो अच्छे से करना है हर पोर्शन को अपने। ये बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ के दोनों पार्ट लिखे मैंने, तो भाई इसको 1 के इक्वल प्रूव करना। देखो बच्चों यहाँ पर अगर 180 हो तो मैंने बताया था साइन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही रहेगा सेम टू सेम, लेकिन प्लस माइनस के साइन और लगा लो, 180 प्लस सीटा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, तो इस क्वाड्रेंट में ये होता है माइनस का। अभी है 270 हो तो बेटा यहाँ पर टी रेशियो चेंज हो जाता है, साइन बन जाएगा कोस का, क्वाड्रेंट कौन सा है तीसरा, तीसरे में ये क्या है नेगेटिव, ठीक है ना, फिर प्लस का साइन, कोस 180 माइनस सीटा, यहाँ पर 180 है तो बेटा कोस का कोस रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है। 270 में कुछ ऐड करोगे, सबसे पहले तो 270 है तो साइन का बन जाएगा कोस, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया फोर्थ, क्योंकि 270 की लाइन ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है नेगेटिव, मतलब साइन इसका देखना लगाना इसके। अब देखो बेटा साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, और आप जानते हो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे इक्वेशन करते हैं, देखो 270 है तो साइन का क्या बन जाएगा कोस एक्स, क्वाड्रेंट कौन सा मैं बताऊँ, 270 की लाइन ये है, 270 में से माइनस करोगे ये क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में ये होता माइनस का। 90 या 270 हो तो टी रेशो चेंज जरूर होता है कोस एक्स, क्वाड्रेंट आप जानते हो पहला है, दसवीं में भी थे ये क्वेश्चन, तो ये कोस एक्स हो गया, दसवीं वाले क्वेश्चन है बेटा ये, दसवीं में क्या था 90 माइनस एक्स था हर जगह, यहाँ पर कहीं पर 270 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स, 180 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स, 360 प्लस एक्स, यही तो है, और इनमें भी अगर यहाँ पर 90 हो 270 हो तो भी तो चेंज करना है, 180 360 में तो चेंज ही नहीं करना। 270 माइनस एक्स जो है ये, यहाँ पर टी रेशो चेंज हो जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया ये, क्वाड्रेंट हो गया ये तीसरा, तीसरे में ये क्या होता है नेगेटिव। उसके बाद कोस 90 प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है ना, आए समझ में। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया ये, क्वाड्रेंट हो गया दूसरा, दूसरे में कोस होता है नेगेटिव, माइनस का साइन आ गया, प्लस वन ये था ये, तो ये हो गया बेटा माइनस कोस स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और बार माइनस का साइन, माइनस साइन स्क्वायर, और प्लस वन राइट साइड जीरो आएगी। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ यहाँ से, तो ये आ गया माइनस वन, प्लस वन क्या आ गया जीरो, ठीक है ना, आया समझ में। देखो बेटा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, अब की बार जो एंगल है वो 360 से बड़े आ गए, तो इसको 360 से डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है ना, वैसे भी 360 प्लस में करेंगे तो भी हो जाएगा चेंज ये, तो 360 माइनस करके देख लेते हैं, 0 1 और 2 10, यानी कि 360 जमा 210 क्या आ गया 570। ठीक है, ऐसे इसको भी ब्रेक कर देंगे, 360 प्लस 360 माइनस करेंगे तो 0 और 11 माइनस 6 5 और 150, यानी कि कोस साइन 510 को लिखा जा सकता है ऐसे, ठीक है ना। फिर ये माइनस का साइन बाहर आएगा, बच्चों आप जानते हो साइन माइनस ए क्या होता है, माइनस साइन ए ऐसे होता है बेटा, तो ये हो जाएगा साइन 330, ठीक है ना, इसका माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हो कोस माइनस सीटा क्या होता है, प्लस कोस सीटा, कोस माइनस ए क्या हो जाएगा
प्लस कोस ए, राइट साइड जीरो चला हुआ देखो, ठीक है ना। अब देखो भाई बच्चों, 360 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। 360 में टी रेशो चेंज नहीं होता, इसको आपने एक्यूट एंगल ट्रीट करना पड़ेगा। तो 360 जमा थीटा पहले क्वाड्रेंट में, समझा जाए, एक्यूट एंगल ट्रीट करोगे तो पहले क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये पहले क्वाड्रेंट में प्लस का, इसको भी एक्यूट एंगल ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ट्रिक है बेटा एक्यूट एंगल ट्रीट करने की, वरना फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, दो बार माइनस लगाना पड़ेगा, उससे बढ़िया इसको एक्यूट एंगल ट्रीट कर लो आप। साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको आप ब्रेक कर सकते हो 360 माइनस 30 में। ब्रेक कैसे करना ये जानते हो ना आप, ये देखना आपने 330 यहाँ पर है, तो ये 270 की लाइन है, ये 360 की है, तो आप चाहे 270 प्लस 60 में चेंज कर सकते हो या 360 माइनस 30 में चेंज कर सकते हो, ठीक। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा 360 प्लस 30, क्योंकि ये क्या हो गया 360 से भी ज़्यादा हो गया, 390 यहाँ पर हो गया, यानी कि 360 जमा 30 में इसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो भाई इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, ये हो गया 210, यानी कि यहाँ पर होगा ये 180 में ब्रेक कर देते हैं इसको, कोस 180 प्लस 30, ये भी ये यहाँ पर हो गया, इसको भी 180 में ब्रेक कर देता हूँ, साइन 180 माइनस 30, और ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, 360 में से कुछ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये माइनस का होता है उसमें, ठीक है ना। कोस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा, पहला, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखो कोस 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा, तीसरे में ये माइनस का होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में साइन प्लस का होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 30 और कोस 30। देखो भाई बच्चों, साइन 30 कोस 30, साइन 30 कोस 30, ये माइनस का है सारा, और ये प्लस का, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ये क्या हो गया जीरो, ठीक है ना। आया समझ में, जीरो चला हुआ था राइट साइड में, चाहे लेफ्ट साइड लेकर चल पड़ो। केवल 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 फार्मूले याद होंगे आपको तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। केवल वो फार्मूले याद करने हैं, और उनमें भी कोई ज्यादा याद करने की बात है नहीं बेटा, अगर ईमानदारी से करते हो तो। आप देखो अब इसमें ब्रेक किस किस को करना, आप जानते हो 90 से जो छोटे एंगल, उनको हम ब्रेक नहीं करते, ठीक है ना, उनको ब्रेक नहीं करना आपने। तो क्यों नहीं ब्रेक करते, क्योंकि इनकी वैल्यू जानते हैं, तो इनकी तो वैल्यू भी नहीं जानते हम। तो अगर ऐसा केस है जिसकी वैल्यू नहीं जानते, तो वो इसमें से निकल कर इसके नेगेटिव आएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, डरने की जरूरत है नहीं बेटा। तो ब्रेक करेंगे, देखो ये एज इट इज, ये एज इट इज, और इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 180 माइनस 45 में भी कर सकता हूँ ब्रेक, और चाहूँ तो 90 प्लस 45 में ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 180 माइनस ये हो जाएगा बेटा, 180 में से माइनस करेंगे तो 5, और भाई यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 55 आएगा बेटा, ठीक है ना। तो 180 में क्यों ब्रेक किया मैंने, क्योंकि मेरे को ये एंगल चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। 90 में ब्रेक करूँगा तो 90 प्लस 35 करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना, 35 है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको 180 में ब्रेक किया, ताकि मेरे पास ये एंगल आ जाए, कोस में ही रहे, ठीक। ऐसे इसको भी मैं कोस में 180 में ब्रेक करूंगा, 180 प्लस 24 में ब्रेक कर जाएगा ये, ठीक है ना। और ये तो आप जानते हो, ये 270 प्लस 30 में ब्रेक कर सकते हो, और 360 माइनस 60 में ब्रेक कर सकते हो आप, लेफ्ट साइड लेकर चलिए। तो कोस 24 एज इट इज, कोस 55 एज इट इज, और भाई ये कोस 180 माइनस सीटा क्या होता है, माइनस कोस सीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव। कोस 180 प्लस सीटा क्या होता है, माइनस कोस सीटा, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस क्या होता है, नेगेटिव। कोस 360 माइनस सीटा क्या होता है, कोस सीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये इसे कैंसिल हो गया, ये इसे कैंसिल हो गया, और कोस 60 की वैल्यू होती है आप जानते हो 1/2, ठीक है ना। देख लो बेटा, बिल्कुल इजी है, केवल और केवल फार्मूले यूज होते हैं इसमें। देखो बेटा सिक्स का फर्स्ट पार्ट, 150 आप जानते हो कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में, तो इसको ब्रेक कर देते हैं हम 180 में, यानी कि 180 माइनस 30 कर देते हैं इसको। 120 भी दूसरे क्वाड्रेंट में, इसको ब्रेक कर देते हैं 180 माइनस 60 में,
और भाई 330 जो है वो यहाँ पर है, इसको ब्रेक कर देते हैं 360 माइनस 30 में, ठीक है ना। और 660 जो है वो 360 से बड़ा है, तो आप चाहो तो इसको 2 × 360 यानी कि 720 हो गया। ये 720 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 12 − 6 = 6, यानी कि 2 × 360 − 60 में ब्रेक किया जा सकता है। या फिर 360 × 300 में ब्रेक करोगे तो ये 300 आ जाएगा, फिर 300 को आगे फिर ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, 360 − 60 में। तो इससे बढ़िया मैंने 2 × 360 में ब्रेक कर लिया इसको। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था 180 है तो साइन का साइन रहेगा बिल्कुल, और ये एंगल आ जाएगा यहाँ पर मैंने बताया, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, दूसरा दूसरे में, ये प्लस का होता है। यहाँ पर 180 है तो कोस का कोस रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरा दूसरे में, ये माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर कोस 360 यानी कि 360 है तो कोस का कोस रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, चौथा, चौथे में ये प्लस का होता है। चौथा कैसे होगा जानते हो ना, 360 में से कुछ माइनस करोगे तो यहाँ पर आओगे ना चौथे में। ये क्या है, 2 × 360 मतलब 2 चक्कर लगाकर आप यहाँ पर खड़े हो और उसमें से 60 माइनस करोगे तो यहाँ पर आओगे ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैसे प्लस का होता है बच्चों। तो भाई बच्चों साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, ये माइनस का साइन बाहर लगा लेता हूँ। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है ना, और प्लस का साइन कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कुल मिलाकर क्या हो गया √3 − 1/4 आंसर आ गया, ठीक है ना, आया समझ में। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा, इसको हम ब्रेक कर देते हैं साइन 180 − 45 में, ठीक है ना, और ये हो गया कोस 180 + 30 में। अब तो आपने प्रैक्टिस कर ली इसकी अच्छे से, और इसको चेंज कर देते हैं 180 − 60 में, 180 + 60 बेटा 240 है ना, और ये चेंज कर देते हैं 360 − 60 में, और ये चेंज कर देते हैं 360 − 30 में, ठीक है ना। मैंने सारे उसमें चेंज कर दिए जिसमें बदलते नहीं रहे, सो या तो 180 में या 360 में। √2 एज इट इज, साइन 180 − थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। कोस 180 + थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड में ये माइनस का हो जाएगा। और टेंजेंट 180 + थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, 180 में कुछ ऐड करोगे थर्ड में जाओगे। कोट 360 − थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में ये माइनस का होता है। और सिकेंड 360 − थीटा क्या होता है, कोसिकेंड थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिकेंड क्या होता है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का साइन आया। अब देखो साइन 45 क्या हो गया, 1/√2, ठीक है ना, ये कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ पर ले आता हूँ मैं। कोस 30 क्या हो गया, √3/2, ठीक है ना। टेन 60 क्या हो गया, √3, ये माइनस का साइन एक और बार आया प्लस हो गया, टेन 60 हो गया, कोट 60 क्या हो गया, 1/√3। और भाई कोसिकेंट 30 क्या हो गया, साइन 30 होता है बेटा 1/2, तो ये हो जाएगा 2, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये इससे कैंसिल हो गया तो √3 बच गया। अब इसको एक बार चेक और कर लेते बेटा, आंसर कुछ ऐसा आ गया कि आंसर जैसे 1-0 के ज़्यादा चांस होते हैं आने के, तो चेक करते हैं बेटा इसको। देखो यहाँ पर क्या था, साइन, और मैंने गलती से क्या लिख दिया, कोस, 660 था ना, तो इसको 660 ही रखा था मैंने, कुछ चेंज नहीं किया था इसमें, तो ये नीचे उतारते इसमें ध्यान नहीं दिया बेटा मैंने, ये साइन था तो साइन आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, साइन। और साइन 60 की वैल्यू आप जानते हो क्या होगी, ये जो मैंने कोस 60 की वैल्यू रख रखी है यहाँ पर आएगी साइन 60 की वैल्यू, जो कि क्या होती है बच्चों, साइन 60 होते √3/2, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/2, और ये हो गया यानी कि 3/4 और 1/4, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बेटा, फोर्थ, फोर्थ में ये भाई साहब क्या होता है, -2, तो दोनों माइनस के साइन हो गए,
अब माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा और ये हो गया 1/4 माइनस प्लस 3/4 यानी कि 4/4 यानी कि -1। ठीक है ना, देखो मिस्टेक ये थी, यहाँ पर साइन था ना, गलती से कोस उतार लिया था मैंने नीचे। ठीक है ना, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई बेटा, सिकेंड था तो ये सिकेंड ही है बच्चों, सिकेंड है ये, सिकेंड 30 डिग्री। 360 में मैंने अब ये भी बोला कि 180 में और 360 में चेंज नहीं होता, तो सिकेंड 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिकेंड थीटा, और सिकेंड थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। ठीक है ना, तो 1√3 जो बचा हुआ है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1। ठीक है ना, आया समझ में। देखो बेटा 6 के रिमेनिंग दो पार्ट्स, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 600 है तो इसको आप 360 प्लस 240 में ब्रेक कर सकते हो यार, 720 बना दिया मैंने इसको, तो 720 में से माइनस करके देखो, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 80 यहाँ पर। ठीक है ना, आया समझ में, यानी कि 720 में से ओहो ये हो जाएगा बेटा 120, तो -120 डिग्री, -120 करेंगे इसको, 720 में से 120 जाएगा, 600 बचेगा। सबसे पहले ये माइनस का साइन आगे आएगा, रीजन क्या है, टेंजेंट माइनस ए क्या होता है, माइनस टेंजेंट ए, आया समझ में, तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, और इसको ब्रेक कर देता हूँ ऐसे ही, टेंजेंट 2 × 360 यानी कि 720, 720 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और भाई 12 − 9 = 3। ठीक है ना, और ये क्या आ गया, केवल 30 आ गया बेटा, 30 आया समझ, तो ये भी ब्रेक हो गया। वैसे 360 प्लस 330 में ब्रेक कर सकते हो आप, लेकिन इसमें इजी रहेगा आपके लिए, इसको भी लिखेंगे हम सेकेंड 2 × 360, 360 से डिवाइड कर दो बेटा इनको। ठीक है ना, 2 × 360 कर दिया ये, तो 720 हो गए, तो 720 यानी कि इससे छोटा रहेगा, तो कुछ ऐड करना पड़ेगा, कितना, 120 डिग्री। तो ये जो है इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, देखो इसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा, कोट 945 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि कोट माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कोट थीटा, कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। ठीक है ना, आए समझ, तो 945 को हमने किससे डिवाइड करना है, 360 से, तो ये 3 पर ले जाते हैं, 3 × 3 = 18, 1 × 3 = 9 प्लस 1 = 10 यानी कि 1080, 945 यहाँ पर है, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ठीक है ना, ये 145। तो 2 पर ले जाते बेटा मैं आगे, जैसे माइनस कर देता लेकिन इसी तरीके से ठीक रहेगा, 720 आ गया, 5, 2 और 2, एक बार और ब्रेक करना पड़ेगा, अगर आप ज़्यादा पर ले जाते तो भी एक बार और ब्रेक तो करना ही था इसको, ऐसे लिख दिया, आया समझ में, थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन से करने बेटा ये, और उनमें कुछ भी नहीं, फार्मूले वही हैं सारे। तो 2 है यहाँ पर, 1 2 3 5 कुछ भी है, 360 को ही मेजर करना है, 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और भाई क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, क्योंकि दो चक्कर लगाकर आप यहाँ पर खड़े, उसमें से कुछ माइनस करो, वैसे तो 120 माइनस किया तो यहाँ पर आओगे आप, लेकिन इसको एज ए एक्यूट एंगल ट्रीट करना, मैंने बताया था आपको, वरना दो साइन गड़बड़ में हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों साइन मिक्स हो जाएंगे, तो आपने इसको एक्यूट एंगल ट्रीट करना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट समझो इसको, तो फोर्थ में ये माइनस का होता, माइनस ये अटैच है, प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना बेटा ये भी, ये माइनस का साइन होगा। यहाँ पर भी क्या है देखो, सिकेंड 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर इसको एक्यूट एंगल ट्रीट करेंगे तो पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा ये हो जाएगा सिकेंड 120 डिग्री। ठीक है ना, ये माइनस का साइन यहाँ लेता हूं मैं, यहाँ पर आ गया। अब कोट 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट 225 डिग्री। ठीक है भाई बच्चों, ये ध्यान दो आप, देखो साइन का साइन रहा, टेन का टेन रहा, सेकंड का सेकंड, कोट का कोट, क्योंकि मैंने इनको सबको 360 में ब्रेक किया है, इसको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, 180 में ब्रेक कर लेते हैं, 180 − 60, 90 + 30 में ब्रेक कर सकते हो आप, ये माइनस का साइन आके आ गया, और टेंजेंट 30 की वैल्यू हम जानते हैं, 1/√3 लास्ट में रख देंगे, ऐसे इसको मैंने ब्रेक कर दिया
180 माइनस 60 में, और इसको ब्रेक कर दिया मैंने 180 प्लस 45 में, ठीक है ना, मैं समझ। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, सेकंड में ये पॉजिटिव होता है, टेन 30 एज इट इज वैल्यू रखेंगे अभी। और सेकंड 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस का हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो गया, सेकंड का सेकंड रहेगा ना। कोट 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, थर्ड में ये पॉजिटिव होता है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 2। सेकंड 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेकंड 60 होता है, कोस 60 होता है रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3, और कोट 45 क्या होता है 1। तो भाई बच्चों एक बार चेक करने की जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है ना, आंसर जो सेटिस्फैक्शन वाला नहीं आया, इसको लिख दिया 720 माइनस 120, 600 हो गया ना, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये था जो, इसको लिख दिया 720 माइनस 30, 720 यहीं पर गड़बड़ लग रही बेटा मेरे को, 720 में से 30 जाएगा, ठीक है ना, 0 और 12 में से 3 का ना, ये ठीक है बच्चों, ऐसा लिख दिया। इसको लिख दिया 2 इंटू 360 प्लस 120, यानी कि 720 720 प्लस 120 यानी कि 840, ये भी ठीक है। इसको लिख दिया 720 और प्लस 225 54 और 9, ये भी ठीक है बेटा, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। स्टेटमेंट और चेक करने की जरूरत है एक बार। स्टेटमेंट है साइन 600 साइन टेंजेंट माइनस 690 सेकेंड 840 और कोट 945, ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो था, ये 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में ही नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो गया यहाँ पर, ये 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव ले लिया मैंने यहाँ पर। ये था जो, अब ये था 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है, सेकंड 120 आ गया, ऐसे ये कोट था यहाँ पर, कोट 225 आ गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आगे इसको ब्रेक किया 180 माइनस 60, ये हो गया साइन 60, क्वाड्रेंट सेकंड था, ठीक रहा, ये 1030 आ ही गया था यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों इसको ब्रेक किया 180 माइनस 60 में, सेकंड 60 हो गया, क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है ये सेकंड, सेकंड में ये माइनस का होता है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और कोट 45, ये कोट 45 रहा बेटा, ये वन है। तो भाई आगे काम करते हैं इसके ऊपर, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा रूट 3 बाई 2 रख दी मैंने, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, ठीक है ना, टेंजेंट 30 की वैल्यू। सेकेंड 60 की वैल्यू क्या होती है 2, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, सेकेंड 60 की वैल्यू बेटा, कोस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1 बाई 2, तो सेकेंड 60 की क्या होती है 2, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 3 बाई 2, ठीक है बेटा, बिल्कुल सारा सब कुछ ये आ गया 3 बाई 2, ठीक है ना, आया समझ में। थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है बेटा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ना, तो अब इसको ब्रेक कर देते हैं हम, देखो ये आंसर निकालते हैं। इसको ब्रेक किया मैंने, इसको ब्रेक किया मैंने साइन 180 माइनस 45 में, और इसको किया कोस 180 माइनस 60 में, और ये हो गया साइन 180 माइनस 45, ठीक है बेटा, और ये हो गया कोस 180 माइनस 60, सारा 180 में ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के थे सारे। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 45, और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन 45, ठीक है ना। कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, कोस 60 डिग्री, और भाई कोस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस 60 डिग्री। तो बच्चों कोस साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, और भाई ठीक है ना, साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, कोस 60 होता है बेटा 1 बाय 2, ठीक है, ऐसे साइन 45 1 बाय रूट 2 और कोस 60 होता है 1 बाय 2, तो एलसीएम लेंगे
एलसीएम लेने के बाद कुल मिलाकर ये आ जाएगा 2 + √2 / 2 - √2। 2 √2 कैंसिल हो गया, अब √2 से और कैंसिल कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा √2 + 1 और √2 - 1। रैशनलाइज करना चाहो तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो अपर पार्ट तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है ना, और लोअर पार्ट क्या हो जाएगा a² - b² / 1, यानी कि कुल मिलाकर क्या होगा बेटा 3 + 2√2, ठीक है ना। एक बार चेक करने की जरूरत है बेटा, पहले स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ मैं। स्टेटमेंट थी इसकी sin 135 - cos 120 और sin 135 और cos 120, 6 का फोर्थ पार्ट है बेटा ये, ठीक है ना, ठीक है बिल्कुल। तो भाई बच्चों इस वीडियो में इतना ही करते बेटा, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ठीक है ना, कंसंट्रेशन जाती रहेगी आपकी भी शायद, तो इसको देखो यहाँ पर, अगली वीडियो में मैं अपलोड कर देता हूँ बचे हुए क्वेश्चन, तो अच्छे से रिवाइज करो बेटा, ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम आए तो निसंकोच होकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।